personally. हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। एंड ये है अनदर व्लॉग, अनदर डे, सो वेलकम हियर एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद मी। ये है कि आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हेलो बेटू, दही खिचड़ी खाओगे ना, पेट अपने आप अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ट्रिप से वापस आके कैश का स्टमक थोड़ा अपसेट हो गया है वेदर चेंज होने की वजह से, सो मैंने उसके लिए आज बनाई है खिचड़ी। हाँ बेटू, बट दोनों अलग अलग चीज है ना, खाओ इसको अच्छे से, दही भी खाओ खिचड़ी भी खाओ, ठीक है? पेट सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, आराम आराम से खा लो। हाँ, मिक्स करके भी खा सकते हो, मिक्स कर लो, ठीक है? अच्छे से मिक्स हो गया ना, खाओ। अच्छा, कैश नहा के रेडी हो गया है एंड वो खुद से नहाने लग गया है, तो मोस्टली वो खुद नहा लेता है एंड बीच बीच में उसको नहला देती हूँ कभी कभी। सो ही इज रेडी एंड ही इज डूइंग हिज प्रेयर्स। हियर कैश इज हेल्पिंग मी आउट विद द बेडिंग, मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ तो कैश मेरे साथ उसमें हेल्प कर रहा है। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है, इससे वो कुछ लर्निंग सीख लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं एंड मोर ओवर इसमें उनका एक हेल्पिंग नेचर डेवलप होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ही इज़ सच अ क्यूट बॉय, लुक एट हिम, ही इज़ जस्ट हेल्पिंग मी आउट विद दैट। सो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के साथ करते रहने से एक तो आप भी इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं बाय दिस वे। एंड उनको आप लर्निंग भी करा सकते हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ें सीखते हैं, उनका ब्रेन भी डेवलप होता है उस तरीके से, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, सो दैट इन दिस एज दे शुड लर्न द थिंग्स। Kyansh is a very good learner and very good grasper. Whatever I teach him, he learns very quickly. So he's a fast pacer as well. So I just want that he should utilize his day, his time maximum at learning new things, for doing the different activities, some conceptual and intellectual things, both of that. That's why I prefer to teach him in a fun manner. By this way, he learns quickly and remembers for the longer time. So this is my way of teaching him the things. So you can choose your way as per your kid. This is a mid time. तो मैंने अभी कैश को कॉर्न दे दिया खाने के लिए, थोड़ा सा boiled corn, which is good for health. ये तो आपने आप निकाल सकते हो। जैसे जैसे वहाँ खाओगे तब तो निकालते रहना, ठीक है? यहाँ से खाना खा लो, healthy है, ठीक है? एंड ये है आज का मेरा लंच और मैंने कैश के लिए दाल और चावल बनाए हैं, उसे मिक्स करके दे दिए विद कर्ड, इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है? आराम से और दही ज़रूर खाओ। आफ्टर ऑल दैट कैश ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है एंड अभी वो कर रहा है स्टडी। मीनवाइल मैं अपने क्लोथ्स फोल्ड कर लूँगी, ये सारे क्लोथ्स ड्राई हो गए हैं तो अभी मैंने यहाँ रख दिए हैं फोल्ड करने के लिए। वर्क कंप्लीट करो, मैं ये सारे क्लोथ्स फोल्ड करूँ फटाफट से। ट्रिप से आने के बाद बहुत सारे क्लोथ्स थे, ब्लैंकेट वगैरह था वॉश करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली एक साथ वॉश नहीं हुए हैं बट धीरे धीरे करके वॉश हो गए हैं वो भी सारे क्लोथ्स। सो अब ये सारे क्लोथ्स वॉश होकर यहाँ रख दिए हैं, इनमें जैकेट्स हैं, ब्लैंकेट है, बैग्स वगैरह हैं, तो आज ये सारा कुछ वॉश हो गया है तो मैं अब इनको फोल्ड करके इनके प्लेसेस पर रख दूँगी सो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे ईजिली मिल जाएंगे एंड क्लीन होंगे सो आई कैन यूज़ इट डायरेक्टली एट द टाइम व्हेन आई नीड। सो अभी मैं सारी चीज़ें फोल्ड करके रखूँगी सेपरेट करके। मीनवाइल कैश भी बीच बीच में मुझसे बात कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एंड वो हमेशा मस्ती करते हुए अपनी पढ़ाई करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस टाइम ही इज़ डूइंग
हीज़ वर्क एट हिज ओन पेस, बिकॉज अभी उसको मैंने सिर्फ एक रिटर्न वर्क दिया है, तो ही इज़ डूइंग बाय हिमसेल्फ। लेटर ऑन मैं उसे बाकी चीज़ें कराऊंगी, तो जब तक क्याश अपना काम कर रहा है जो वो खुद से कर सकता है, तब तक मैं क्लोथ फोल्ड कर लेती हूँ। एंड बीच बीच में वो फॉर ऑब्वियस मुझसे बातें भी कर रहा है। क्याश ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प मी इन दिस थिंग टू फोल्ड द क्लोथ्स, पर ये सारे बड़े बड़े क्लोथ्स हैं तो वो फोल्ड नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आई टेल हिम टू डू द वर्क। एंड इट्स अ रियली गुड थिंग, इट्स नॉट दैट कि आप गर्ल्स को ही ये सब चीज़ें सिखाएं, बॉयज़ को भी आपको इक्वली ट्रेन करना चाहिए, इक्वली आपको उसमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए अपने साथ चीज़ों में, सो दैट वो देख कर कुछ सीख सकते हैं, अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। एंड क्याश इज़ नॉट दैट कि उसे जो सिखाया जाए वो वहीं तक रहता है, वो अपना माइंड हमेशा यूज़ करता है एंड उसे उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं। ही इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स। एज़ पर मी आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को, अर्ली एज से ही अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, इनको छोटी छोटी चीज़ों में सपोर्ट करना सिखाना चाहिए, सो दैट कि वो बड़े होकर इन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड दे शुड लर्न एज वेल। आज मून ऊपर है और स्टार नीचे है। सो अभी मैं आ गई छत पे वॉक करने के लिए। इट्स अराउंड 7 or 7:15 PM एंड इससे पहले छत पे आना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज आजकल गर्मी होती है, हवा बिल्कुल भी नहीं होती है, सो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रहता है। इस टाइम पे थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, दैट्स वाई आई कम यूजुअली एट दिस टाइम 7 or 7:30 एंड सो ऑन। सो अभी थोड़ी देर के लिए वॉक करूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, फिर क्याश को देखते हैं, उसे पढ़ाना भी है थोड़ा सा। सो दीज आर द प्लांट्स जो हमने छत पे लगाए हुए हैं, धूप की वजह से थोड़े से ड्राई भी हो रहे थे, बट अभी वाटर दिया है एंड रेगुलरली वाटर देते हैं इनको, तो दे आर जस्ट ग्रोइंग अप अगैन। तो छोटे छोटे प्लांट्स को नीचे ऊपर हर जगह पे लगा रखा है सो दैट ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है और आपको आप इनको देख के हैप्पी फील करते हैं। नीचे आके मैंने ले लिया है नींबू पानी और ये सेम मार्केट जो मैंने आपको स्मार्ट बाजार के वीडियो में भी दिखाया था, इफ़ यू हैवेंट सीन सो डू चेक आउट दैट वीडियो। और क्याश को भी दे दिया नींबू पानी, ही इज एंजॉयिंग दैट। क्यू बोलो। ग्रोन Growth. GROAN. Where? Dew. DUE. Little. LITTLE. Right. ठीक है। क्याश को रिटर्न वर्क कराने के साथ साथ मैं आजकल लर्निंग वर्क भी करा रही हूँ, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने भी कल एक टेस्ट लिया था, वही मैं भी चेक कर रही हूँ साथ में। आगे से भाई ऐसा नहीं लिखना, जैसा लिखते हो वैसे ही लिखो, किसी को देख के गलत मत लिखने लगो, ठीक है। ग्लिंट्स आज क्याश ने पापा से कुछ नई एक्सरसाइजेस सीखी हैं, व्हिच इज प्रैक्टिसिंग। दीज आर द वाइड स्क्वाट्स। इतना नीचे नहीं झुको, थोड़ा कम। ये तो बिल्कुल और थोड़ा नीचे। हाँ, और स्क्वाट करो। हाँ बस, कितना वेरी गुड, ये अच्छा पुशअप था। हाँ बर्पीस बर्पीस ऐसे कूदो कूदो कूद, ये हाँ ये उठो उठो, अब उछलो उछलो हैंड ओपन करके। हाँ बर्पीस, देन अगेन डिप्स। हाँ ओके बर्फीस, ओके देन उछलो। हाँ वेरी गुड, बिट्टू इसका एक और आसान तरीका है, नीचे जाओ नीचे जाओ, घुटने पे रखो घुटने पे करो सेमी पुशअप्स, नीचे आओ ना। हाँ गुड जॉब। आज क्याश ने कुछ नई एक्सरसाइजेस सीखी जो उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म करी और ये उसका हॉलीडे होमवर्क का पार्ट भी है, सो ही परफॉर्म्ड वेरी वेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विच इज़ रियली गुड। और ये है आज का डिनर, आज बनी है कॉर्न की रोटी जो बहुत ही टेस्टी बनती है, यू शुड ट्राई इट। क्याश ने फर्स्ट टाइम खाई है कॉर्न की रोटी और उसने बहुत अच्छे से खा ली है खुद से, ही इज़ एंजॉइंग द मील विच इज़ अगैन अ गुड स्टेप फॉर लर्निंग। अभी क्याश के पापा ऑफिस से आ गए एंड ही गॉट टू नो, एंड वो पर्दे के पीछे छुप गया पापा को सरप्राइज करने के लिए। आ रही थी क्याश की आवाज़, आपने क्याश को देखा?
क्याश को देखा आपने है कि नहीं है? क्याश पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है, ज्यादा हिल रहा है, ये सबको पता चल जाएगा बाहर की वो कर्टेन के पीछे है। क्याश के पापा ने भी एक्ट किया कि क्याश को कर्टेन के पीछे से नहीं देखा है और थोड़ा सा कर्टेन खोल के बंद कर दिया और क्याश को लगा कि क्याश पापा ने देखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया क्यांच पापा को प्रैंक कर रहा था, पापा ने क्यांच को प्रैंक कर दिया है ना क्यांच, ये तो डबल प्रैंक हो गया। मेरे को ये था कि ये बोलेगा मम्मी पापा चले गए बाहर, इसने बोला नहीं सीधा बाहर आ गया। Later, his mamu came to meet him. दिखाओ नानी, दिखाओ। ना भी बात कर रहा है क्या वीडियो कॉल पे अपने नानू और नानी के साथ। नमस्ते करो, नमस्ते। दिखाओ नानी को, नमस्ते कर रहा। हेलो करो, हेलो कर रहा हूँ। नानी को दिखाओ, नानी को। नमस्ते, नमस्ते। कैसी हो? अभी करते हैं ठीक है मम्मी। कौन सी आलू की सब्जी? नहीं अभी नहीं, पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं। अच्छा, बोल रहे थे ठंडी करके खाऊंगा। अच्छा तो जीजू की सही बोला, ये सही बोला। आपकी जैसी है ना ये बैटरी। क्यांच खा लो इसको। अरे खा लो। उसकी अलमीरा की मुझसे कहीं रख दी थी मैंने, भूल गई थी तो इसलिए छोटी वाली पेंसिल्स यूज करनी पड़ी, बाहर यही पड़ी थी। छोटी छोटी रख लेती हूँ ना कुछ काम कर लेती हूँ अपना। अभी मिल गई है तो खोलना है, अब चाबी निकालेंगे, सॉरी पेंसिल निकालेंगे। आप कहाँ गए थे? और ढेर सारी मस्ती करने के बाद क्या सो गया, उसे नींद आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।